ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग, जो कि गाइस आप सभी ने इंस्टाग्राम पे देखी होंगी। और आज की वीडियो में समझाने वाला हूं कि गाइस आपको एकदम पूरा ट्यूटोरियल, मतलब कि कैसे आपको एडिट करना है। आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बाकी गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जो भी बैकग्राउंड थीम जिसका मैं यूज करूंगा सभी मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लेना। चलिए आज की वीडियो को जो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे सारे बैकग्राउंड, सो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब गाइस आप लोग करना क्या, गाइस आप लोग को जो यहाँ से सिंपली ऐड फोटो में जाना है, यहाँ से गाइस अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड जो मॉडल का बैकग्राउंड पहले से मैंने रेज कर रखा था कि आपका जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब पर जाकर इजीली सर्च कर सकते हो, आपको वहाँ पर बहुत ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी वीडियो का, तो वो जाकर देख लेना। अब गाइस ऐड फोटो में जाकर एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड करेंगे। एंड इसको ऐड करने के बाद हमें फुल स्क्रीन कर देंगे। एंड इसके बाद मूव डाउन कर देंगे सर, एंड इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट कर देंगे। एंड ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज जो है कुछ इतना रख लेंगे। एंड फोटो को जूम करेंगे, एंड फोटो को जूम करके जो हम कुछ इस टाइप से शेडो को क्रिएट करेंगे, ठीक है? अब गाइस देखिए, शेडो बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको उसमें से मतलब कि मैं आपको ईजी वाला स्टेप बता रहा हूँ। उसमें अगर आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से करना है तो मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। आपको उसमें इजीली समझा रखा है मैंने कि कैसे आपको एडिट करना है, ठीक है? तो आप लोग जाके देख लेना। अब गाइस यहाँ पर हमारी शेडो बन चुकी है, अब इसको हम डन कर लेते हैं। फिर उसके बाद गाइस आप लोग करना है, आप लोग सिंपली टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद आपको ब्राइटनेस लेना है, इसका ब्राइटनेस बढ़ा देना है। एंड इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना है इसको। एंड ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद इसका साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है, एंड फोटो को जूम करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से जो पेंट करना है, ठीक है? मतलब कि आपको इस जगह पे पेंट करना है जिस जिस जगह पे जो आपको लगता है कि यहाँ से मतलब कि थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट ऐड होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जो नीचे नीचे का साइड वाला जो साइड है वहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इसको मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्राइटनेस रख लूँगा, तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग रख लेना। देन इसको डन कर देना है। इतना जाने के बाद आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड इसको लेके चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि रिटच करके रियलिस्टिक हम वहीं पे बना पाएंगे फोटो को, ठीक है? तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। तो यहाँ पे लाइट रूम ऐप में हमने फोटो को ऐड कर लिया, तो पहले हम इसका लाइट करेक्ट करेंगे। अब गाइस देखिए, लाइट करेक्शन जो होती है सबकी फोटोज़ में अलग अलग होती हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से करना गाइस, ठीक है? अगर आपकी फोटो लगता है कि इस टाइप से हो सकती है तो आप ये वाला सेम कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आप जो है अपनी तरीके से आप कर लेना अगर आपको ना लगे तो, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं कलर्स वाले में। तो कलर्स में आपको सेम यही वाला करना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड वाइब्रेशन बढ़ाने के बाद आपको मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है पहले, ठीक है? फेस का। एंड उसका सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर देना है। एंड उसके बाद आपको येलो कलर में जाना है, इसका ह्यू माइनस कर देना है थोड़ा सा, एंड ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। फिर इसका सैचुरेशन थोड़ा कम कर देना है। फिर जाना आपको डार्क ब्लू में, इसका जो ह्यू है इसको माइनस कर देना है थोड़ा सा, एंड जो ल्यूमिनस इसको बढ़ा देना है, ठीक है? इतना जाने के बाद आपको फोटो को डन कर देना है। एंड चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, यहाँ पे गाइस जाने के बाद फोटो की क्लियरिटी आपको सभी को इंक्रीज कर देना है। एंड फोटो में डाल देना थोड़ा सा फिगनेट। एंड इसको नीचे स्क्रॉल करना, आपको फीदर मिलेगा, आपको इसको फुल कर देना है 100। एंड उसके बाद आपको चले जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस इसको इंक्रीज कर देना है। एंड नीचे मिलेगा नोट रिडक्शन, आपको इसको भी बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा कलर नोट रिडक्शन, इसको भी बढ़ा देना है। बस फाइनली हमारी फोटो जो कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं तक थी। तो आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।